और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है पाकिस्तान से, जहां इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ ने शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि देर रात पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग थे। ये भीड़ आप देख रहे हैं, हिंसक होता हुआ प्रदर्शन भी बीच बीच में नजर आ रहा था। तोड़फोड़ हो रही थी गाड़ियों में भी, और साथ ही एक दूसरे के साथ झड़प करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे थे पुलिस बल और यहाँ पीटीआई के कार्यकर्ता। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और उसके बाद यहाँ पर ऐसे कुछ इलाकों से यहाँ पर गुजरे जहाँ पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पाकिस्तान के कई शहरों में इस वक्त विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। पुलिस टीम ने सैकड़ों इमरान समर्थकों को हिरासत में लिया है और आज भी इमरान की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में होगा। ये सैलाब एक बार फिर पाकिस्तान की सड़कों पर देखने को मिलेगा। सड़क पर इमरान की जो पार्टी है पीटीआई के जो समर्थक है वो यहाँ उतरे हुए हैं, पार्टी के नेता भी शामिल है इस बड़े प्रोटेस्ट में। आज 14 अगस्त है यानी कि पाकिस्तान का आजादी का दिन, और ऐसे में आजादी के दिन को ही पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने चुना है प्रदर्शन के लिए। यहां पर एक संदेश बड़ा देने की कोशिश पीटीआई के समर्थकों के द्वारा किया जा रहा है। और एक तरफ तो जहां शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं इमरान समर्थकों की यही मांग है कि जल्द से जल्द इमरान खान की रिहाई हो। और आज का दिन खास तौर से चुना गया क्योंकि आज आजादी का जश्न पाकिस्तान मनाता है, और इसी वजह से कल पूरी रात ये कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कुछ प्रदर्शनकारियों को यहां पर हिरासत में भी लिया गया है। तो ये चार तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कुछ झड़पें हुई हैं, कहीं कहीं तो तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई हैं। इमरान खान की जो रिहाई है उसके लिए लगातार ये जो कार्यकर्ता हैं वो मांग कर रहे हैं। तो वहीं अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जो ढाका में हुआ वो पाकिस्तान के इलाकों में भी हो सकता है, जो बांग्लादेश में हुआ क्या पाकिस्तान में भी वही स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो भीड़ है, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। और आज का दिन बहुत जरूरी होने वाला है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पीटीआई के कार्यकर्ता आज भी बड़ी संख्या में उतरकर प्रदर्शन करेंगे सड़कों पर। शरीफ सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है और इमरान खान की रिहाई की मांग हो रही है। तो पाकिस्तान के कई शहरों में इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कई जगहों पर पुलिस प्रदर्शनकारियों से भिड़ गई और उसके बाद पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। इस्लामाबाद की बात करें तो यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। शहबाज सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ है और हिरासत में इमरान समर्थक किए गए हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, इस्लामाबाद का अब क्या होगा, क्योंकि शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का जो सिलसिला है इस्लामाबाद में थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से कल जब सड़कों पर यहाँ प्रदर्शनकारी पीटीआई के जो समर्थक हैं, जो इमरान खान के समर्थक हैं, वो उतरे तो स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर हो गई थी। यहाँ पाकिस्तान पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और इस तरीके से यहाँ नारेबाजी भी की गई, और ये खुद ही अपनी ताकत की नुमाइश करते हुए नजर आए, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस तरीके से आतिशबाजी इन लोगों ने की है। इमरान खान की रिहाई की लगातार उनके समर्थक मांग कर रहे हैं। तो इमरान समर्थकों ने शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। हजारों की संख्या में इमरान समर्थक सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ तो जहां पर आपको आतिशबाजी होती हुई भी नजर आ रही है और साथ ही साथ नारेबाजी भी प्रदर्शनकारी कर रहे हैं।